नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। मैं त्रिलोकी, मैं खो गई हूं, लेकिन मुझे याद है, मैं बहुत सुंदर थी, मैं मिस इंडिया थी और मिस वर्ल्ड भी। अब मुझे घर जाना है, माँ बाप को गले से लगाना है, उनके साथ झूला झूलना है। सपने जब आते हैं तो पहले ये डिस्क्लेमर नहीं आता कि सपनों में दिखने वाली घटना काल्पनिक है, लेकिन वो मासूम लापता बच्ची एक ऐसी कहानी बयां कर रही थी जिसे सुन के ये लग रहा था कि वो शायद किसी सपने में जी रही थी। कहने को तो पल भर में जिंदगियां बदल जाती है, लेकिन ये पल पल मरती एक मासूम की ऐसी कहानी है जिसका सफरनामा किसी कल्पना से भी कम नहीं था। लेकिन ये हकीकत सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या किसी की जिंदगी उसे ये भी रंग दिखा सकती है। माँ, ये लिपस्टिक पाउडर भी रख दे। ला। तू तो मुझे बोलती थी माँ मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर तुरंत तैयार हो गई। माँ, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर मेरा कैरियर करियर वो मुझे बड़े स्कूल में पढ़ना है ना, तो चंदू का स्कूल है ना। हे बाबा, कितनी बार बोला है उनका नाम मत लिया कर। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। अब से ना मैं उन्हें चंदू जी बोला करूंगी। चंदू जी, ओ चंदू जी, ऐसा बोला। तू भी बिल्कुल नौटंकी है, चल ला दे। बड़ी सुंदर लग रही हो आप, इस घर की रौनक लेकर जा रहे हो। बचपन में इससे कोई गलती हो जाए तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इसके बचपन से तो हमारे घर की रौनक बढ़ने वाली है। सही बात है ये, बात त्रिलोकी की बिल्कुल चिंता मत करो, वो हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। हैं, ये आज्ञा दो। चलो भाई साहब। मैं तब 15 साल की थी, लेकिन अगले 10 साल मेरे आंखों के सामने थे। 18 साल में मिस इंडिया, 19 साल में मिस वर्ल्ड और 25 साल में 25 सुपरहिट फिल्मों की जुबली स्टार। भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? चल, रुको, चल, चल। आप लोगों को जो कुछ चाहिए वो ले लो, बस हमें छोड़ दो। थारी लुगाई छे। ए छोड़, पीछे पीछे, आगे मत आ, चल। त्रिलोकी, तू प्याज काट रही है? मम्मी, अब त्रिलोकी से घर का काम करवा रही है? अरे चंदू जी, ये प्याज काट के तो मैं रोने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। रोने की प्रैक्टिस? क्योंकि मिस वर्ल्ड बनने के बाद मैं फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। फिल्म एक्ट्रेस? हाँ, क्यों, चंदू जी ने आपको बताया नहीं? मम्मी, मैं वो बताने ही वाला था, त्रिलोकी को मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और फिल्म एक्ट्रेस बनना है। बावली पूछ के गोबर भर रहा इसके दिमाग में, ये कोई एक्ट्रेस फैक्ट्रेस ना पड़ेगी, कोई स्कूल भी स्कूल ना जाएगी, ये आज से तेरी अम्मा के घर के काम में हाथ बटावेगी। तो आप मुझे नौकरानी बना के लाए? ऐसे तेवर, चोरी एक बात गांठ बांध के रख ले, आज से तू वही करेगी जो हम चाहते हैं। मैं यहाँ दुखियारी अबला बनकर नहीं रहना चाहती, मैं अपने गाँव वापिस आ रही हूँ। छोरी, तू कहीं ना जावेगी और आज के बाद जबान भी ना चलावेगी, जबान चलाई ना तो काट दूंगा। चलो अंदर।
लेके जा इसने। कैसी बात कर रहे हैं मोहन जी? त्रिलोकी यहाँ क्यों आएगी, वो भी इस वक्त? दोपहर से कुछ पता ना चल रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ गायब होगी। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है त्रिलोकी? सर, एक औरत और आदमी को बुरी तरह से मारकर चेहरे बिगाड़ दिए गए और इनकी पहचान से जुड़ी हुई भी कोई चीज नहीं मिली है। आसपास पता करो, शायद इनकी पहचान की कोई लीड मिले। सर, रोड के नजदीक झाड़ियों में एक बैग पड़ा है, ये रहा सर। सर, इस बैग में तो औरत और आदमी कपड़े ही हैं। सर, ये बुक है। साहब, मेरी बेटी त्रिलोकी पिछले 3 महीने से रेवाड़ी में मेरे दोस्त मोहन जी के घर पे रह रही थी। कल शाम से उसका कुछ पता नहीं है सर। त्रिलोकी को आखिरी बार कहाँ देखा था आपने? हमारे घर के बाहर दोपहर में देखा था। त्रिलोकी, एक कप चाय बना दे मेरे लिए। उसके बाद तो फिर वो अंदर ही नहीं आई जी, पता नहीं बाहर से कहाँ चली गई। तो उस वक्त घर में त्रिलोकी और आपके अलावा और कौन कौन था? वो जी, मैं और वही थे, मेरी बीबी और बेटा तो बाहर गए थे बाजार। त्रिलोकी का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप त्रिलोकी को ढूंढिए ना सर, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। इस किताब का नाम है, जिसके उर्दू में मायने हैं, खत्म मतलब दी एंड। पर हमारे लिए कहानी खत्म नहीं, हमारे लिए कहानी अब शुरू हुई है। और इस किताब में मिली ये तस्वीर, और इस तस्वीर में दिख रही ये बच्ची और औरत इस कहानी के तो किरदार हो सकते हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर का कहना है कि हमें जिस डेड कपल की बॉडी मिली उनकी उम्र 25 से 30 साल हो सकती है, और उस मरहूम औरत ने कोई डिलीवरी भी की थी। तो मुमकिन है कि उस औरत के पास जिस आदमी की बॉडी हमें मिली और ये बच्ची उस डेड कपल की बेटी। इस तस्वीर को हरियाणा के सारे थानों में सर्कुलेट करो, शायद इस कपल को लीड मिले। हमने अपनी त्रिलोकी की जिम्मेवारी आप लोगों को दी थी और आप लोग उसे संभाल भी ना पाए। अरे हम के करते, उस छोरी के पैर ही ना टिकते थे यहाँ। कहती थी मिस वर्ल्ड बनेगी, ये पता नहीं कित भाज गई। ये क्या बोल रहे हैं मोहन जी आप? अरे मैंने सपने में भी ना सोचा था कि आप मेरी छोरी पर ऐसा लांछन लगाओगे। संस्कार तो आप ही नहीं दिए थे उसको, और हम क्या झूठ बोल रहे हैं आपसे? बस करो मम्मी, मुझे मालूम है त्रिलोकी को किसने गायब किया। तो अब तक क्यों नहीं बताया आपने किसने गायब किया त्रिलोकी को? और राजकुमार, सुना घर में छोरी ले आया तू है? तुम्हें इससे कोई मतलब? अरे सुन तो, मतलब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना रात में? मेरा मतलब है कि बिना कपड़ों के देखा है कि नहीं। तू तो भाग गया चंदू, पर तेरी त्रिलोकी ना भाग पाएगी हमसे। कौन है वो लड़का? चल बोल, त्रिलोकी को कहाँ गायब किया? साहब मैंने गायब नहीं किया है त्रिलोकी को, ये चंदू ना मुझे फंसा रहा है। उल्टा उसके घर वाले और ये चंदू मिलकर ना उस पर झूठ ढा रहे थे त्रिलोकी पर। अगर तूने सच नहीं बोला ना तो जुल्म हम ढाएंगे तेरे ऊपर। साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चंदू के घर वालों ने चंदू का और त्रिलोकी का बाल विवाह करवाया था। सर, हमने पूरे हरियाणा में इस औरत और बच्चे का फोटो सर्कुलेट कर दिया है, लेकिन ना तो इस औरत और बच्चे के बारे में कोई लीड मिली है। तो इनकी तस्वीर को पूरे इंडिया के थानों में सर्कुलेट करवाओ, क्योंकि जिस किताब में ये तस्वीर मिली है ये किताब 30 साल पहले बैन हो चुकी है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है। इसकी पब्लिशिंग 30 साल पहले बंद हो चुकी है। ये देखो, इसमें स्टैंप लगी है, शायद इससे कुछ मदद मिले। सर ये तो किसी लाइब्रेरी के स्टैंप जैसी लग रही है और काफ़ी धुंधली पड़ चुकी है। यस, पता लगाओ 30 साल पहले बैन हुई ये किताब किस लाइब्रेरी से किस शख्स को इशू हुई। और ये देखो, इस किताब में ये कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, ये दोनों
कोई कोड वर्ड हो सकते हैं, इसलिए हमें इंटेलिजेंस क्रिप्टोग्राफर के जरिए इन्हें जल्द से जल्द डिकोड करवाना होगा, क्योंकि ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। और इस किताब में ये नंबर भी है, इस नंबर की डिटेल निकलो। बेग साहब, आप कहाँ उस लफंगे की बात पर भरोसा कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है वो। आप दोनों के खानदानों में कई पीढ़ियों से बाल विवाह होता रहा है। आप लोगों के मोहल्ले वालों से बात की हमने, रिश्तेदारों से भी बात की, आपसे भी पूछ रहे हैं, त्रिलोकी और चंदू का बाल विवाह हुआ था ना? देखिए साहब, हम चाहते थे कि चंदू और त्रिलोकी की शादी हो, पर उनके बालिग होने के बाद, अभी तो त्रिलोकी यहाँ सिर्फ पढ़ने आई थी। लेकिन त्रिलोकी यहाँ किसी स्कूल में नहीं जाती थी। साहब, आप सवाल जवाब में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए ना। वो तो हम ढूंढ ही रहे, पर हमें ये भी तो पता चले कि आखिर उसके साथ क्राइम हुआ क्या था। चंदू, सच सच बताना, तुम्हारी और त्रिलोकी की शादी हुई थी ना? नहीं सर, हमारी शादी नहीं हुई थी, हम तो बस दोस्त हैं। जिस लाइब्रेरी से ये इशू की गई थी, उस लाइब्रेरी के बारे में अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन सर, इस बुक में जो फोन नंबर लिखा हुआ है, वो फोन नंबर गुरुग्राम के डॉक्टर व्योमकेश के नाम से रजिस्टर्ड है। और सर, ये व्योमकेश नेचुरोपैथी के डॉक्टर है। फोंटोस, ए फोंटोस, ये मालिक, ए दिखा है, हाँ मालिक, ये देखो, पता लो, हाँ, और तुम्हारे हरियाणा में क्या बोलता है वो, सील बाटा, मैं कूट कूट कर रस बनाओ, मैं मालकिन को रस पान कराना है, जा, ठीक है मालिक। डार्लिंग, तुमको आज बुखार है और तुम यहाँ बैठकर इतना सच समझ रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। नाना, तुम्हारा सिर्फ ज्वर उतरा है, लेकिन जो वायरस है तुम्हारे लीवर के अंदर छिप के बैठा है। किंतु चिंता करो ना, ये मेरा गा प्लांट का जूस तुम्हारे लीवर में जाएगा और वायरस घा घा करके तुम्हारे बॉडी के घाम के माफिक निकल के आएगा। घाम समझती है? नहीं। पसीना, स्वेट। लेकिन मैं अब ठीक हूँ। ठीक ना, जूस खा, जूस खाओ। नहीं। खाओ। क्या है ये? मेरा गा प्लांट को सूंघकर मेरा फर्स्ट वाइफ मर गया। पॉइजन है ना इसमें, इस प्लांट में। किंतु तुम भी चिंता करो ना, ये पॉइजन तुम्हारे लिए अमृत है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। साहब। हाँ, क्यों हो रे? बाहर पुलिस आई है। आशी। ना, ऐसा किसी औरत और बच्ची को नहीं जानता मैं। देखिए, हमें मर्डर सीन पे एक किताब मिली थी, उस किताब में एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, पर हमें पता चला कि फ़ोन नंबर आपका है। देखिए सर, ये मेरा ओल्ड नंबर है, एक जोशी ने कहा कि ये मेरे लिए अनलकी है, तो 6 महीने पहले बंद कर दिया था मैं। लेकिन डॉक्टर व्योमकेश, नंबर तो आपका ही है ना? मैं एक फेमस डॉक्टर हूँ, देश विदेश में मेरा पेशेंट है। हाँ, अब किसी किताब में मेरा नाम और नंबर है तो इसमें मेरा क्या दोष है? डॉक्टर, वो कोई मामूली किताब नहीं, 30 साल पहले बैन हो चुकी, क्योंकि वो किताब कट्टरपंथी को बढ़ावा देती है। इसलिए जो हमें डेड बॉडी मिली है, हो सकता है उसके कत्ल में आपका कोई पेशेंट इन्वॉल्व हो। जितने पेशेंट आपके अभी तक हुए हैं, हमें सबकी डिटेल चाहिए। अरे, लाखों पेशेंट है मेरा, किस किस का डिटेल दूंगा मैं? आई कैन नॉट हेल्प यू सर, यू कैन गो। सर एक मिनट सर, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पे आईडी चीफ गौतम सोलंकी की कार में ब्लास्ट हुआ है, और कहा जा रहा है कि टेररिस्ट अटैक है।
बाजी छोरी। अच्छा क्रिप्टोग्राफर से मैंने इन कोड्स को डीकोड करने की मदद मांगी थी, वो इन कोड्स को डीकोड तो नहीं कर पाए, लेकिन इनको इतना जरूर कहना है कि हो सकता है टीएस का मतलब जो इस किताब का टाइटल है, तो शायद ये कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हो, पेंड होती हो। सर, इस बुक पे जो स्टैंप है उस पे जेंटी विजिबल है, और जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि दिल्ली में एक जनता लाइब्रेरी है, हो सकता है ये बुक वहीं से इशू की गई हो। वीर, पता करो दिल्ली में ये लाइब्रेरी कहाँ है। अगर ये किताब वाकई उसी लाइब्रेरी से इशू हुई है तो पता करो ये किस शख्स को इशू हुई थी, क्योंकि वही शख्स अब इस केस का राज खोल सकता है। हो सकता है उस शख्स से हमें उस डेड कपल की कोई लीड मिल सके और इस बच्ची की भी। तो समीर जी, प्रिया और उमंग की कुंडली का मिलान तो हो गया, बस अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें तो फिर हम आगे की बात करते हैं। जैसा आप ठीक समझे। आप तलमा लही है ना, बैठी थी और फिर खो गई। उस वीडियो में ये जिस तरह से बात कर रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और हमने जब इसको बताया कि इसके पेरेंट्स ने आत्महत्या कर ली है तो ये एकदम से खामोश हो गए। ये 3 महीने कहाँ थी, ये बताया इसने? जी नहीं, ये कुछ भी नहीं बता पा रही है, लेकिन हमने जब इसका मेडिकल टेस्ट करवाया तो पता चला कि पिछले कई महीनों से इसे नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे और लगातार इसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। बलात्कार? जी हाँ, त्रिलोकी ये भी नहीं बता पा रही है कि इसके साथ बलात्कार कौन कर रहा था। चाइल्ड काउंसलर की हेल्प से हम त्रिलोकी से दोबारा बात करेंगे, तब तक आप लोग इसे संभालिए, क्योंकि इसके पेरेंट्स के अलावा एक आप ही हैं जिसे हम इसकी कस्टडी दे सकते हैं। सर, हाँ? सर, ये तमाम जो बैन हो चुकी है ये 2 महीने पहले जनता लाइब्रेरी से एक शाहिद शेख नाम के लड़के को इश्यू की गई थी। सर, ये है शाहिद शेख। सर, शाहिद शेख के लाइब्रेरी कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है, वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। थैंक यू। इस शाहिद शेख के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो, हो सकता है किसी कट्टरपंथी गिरोह से जुड़ा हो। सर, वीर वीर वीर, होल्ड ऑन। तुमने बताया कि उसने ये किताब जनता लाइब्रेरी से 2 महीने पहले इशू करवाई थी। हाँ सर, लेकिन इस किताब पे ये जो नंबर लिखा है डॉक्टर व्योमकेश का, तो उनका तो कहना है कि उन्होंने ये नंबर 6 महीने पहले बंद कर दिया था। सर, डॉक्टर व्योमकेश बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डेड कपल की मौत 20 मार्च को हुई थी और डॉक्टर व्योमकेश का वो नंबर 20 मार्च तक एक्टिव था। तो डॉक्टर के कॉल रिकॉर्ड में शाहिद वो डेड कपल या इस औरत से जुड़ा का नंबर? नहीं सर, लेकिन सर इसके CDR में कई फेक IDs के नंबर हैं, और सर डॉक्टर व्योमकेश का कई औरतों के साथ में अफेयर भी है। सर, उसने करीब 3 शादियां की हैं और उसकी पिछली 2 बीवियां सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस से गायब हो गई थी, और सर ये ज्योत्सना उसकी 3री बीवी है। मेरा फर्स्ट वाइफ ने मुझे बद्दुआ दिया कि मेरा अंग भंग हो जाए, और मेरा सेकंड वाइफ का मरते ही मेरा लंगड़ा हो गया, बट नेवर माइंड। आज मेरे पास तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल वाइफ है। आज हमारा मैरिज का फर्स्ट एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। थैंक यू।
लेट्स सेलिब्रेट, कम डांस विथ मी। आप जब साथ होते हो तो बड़ा अच्छा सा लगता है, पर आप जब टूर पे चले जाते हो तो अकेलापन महसूस होता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना फैमिली प्लान। मेरा हर वाइफ को बच्चा चाहिए होता है, तुम भी बोलकर ये जता रही है कि मैं नपुंसक हूं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन हम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। बच्चा अडॉप्ट करिए है? बच्चा बोल बोल, बच्चा चाहिए। यातनाओं के कुछ पल भी लंबे काल की तरह होते हैं, और त्रिलोकी तो 3 महीनों से कभी खत्म ना होने वाली पीड़ाओं को सह रही थी। मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनने के उसके सपने तो अब धूमिल से गए थे, लेकिन उसके अंदर जलती लौ में क्या अब भी कोई चिंगारी बची थी? कहते हैं जिंदगी अगर जहर हो तो हम जहर का घूंट पी पी कर भी यही सोचते हैं कि शायद एक दिन हमारे नसीब में अमृत का प्याला होगा। लेकिन त्रिलोकी के नसीब में अब क्या था, मौत या एक और जहर भरी जिंदगी? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? कहाँ हैं डॉक्टर व्योमकेश? सर, वो तो आज सुबह ही दिल्ली चले गए, कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। ये चोट कैसे लगी आपको? क्या सर, मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अरुण। यस सर। ये देखिए सर, ये देखिए, वो आदमी मुझे रोज मारता है जानवरों की तरह। आप रोइए मत, मैं उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस बना देता हूँ। आप गवाही देंगी? नहीं सर, अगर मैंने ऐसा किया तो वो अपनी पिछली 2 बीवियों की तरह मुझे भी मार डालेगा। व्हाट? उसने अपनी बीवियों को? जी सर। आपके पास कोई सबूत है इसका? नहीं सर, लेकिन जब से मैंने उससे शादी की है मुझे ये तो मालूम हो गया कि वो आदमी अच्छा नहीं है। इस आदमी को और इस औरत को क्या डॉक्टर व्योमकेश के साथ में कभी देखा था आपने? नहीं सर, कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इन लोगों के बारे में पता करके बता सकती हूँ। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। सर, हम मानते हैं उस कार ब्लास्ट के बाद मीडिया में एक केस और भी हाईलाइट हो गया, लेकिन सर मेरा यकीन मानिए, हम इस केस को ज़रूर सॉल्व करेंगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए सर। और जी सर, चाहिए आवीर। सर, मैं अभी डॉक्टर व्योमकेश की पत्नी ज्योत्सना से मिला। सर, वो कह रही थी कि वीर होल्ड ऑन, अब हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। ये केस हमसे लेकर ATT को दे दिया गया, मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर भी आ गए। लेकिन सर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कल सुबह जल्दी आ जाना, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्हें सौंपनी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये जबान थाप करने की थेरेपी है। अब मैंने वो शब्द थाप थाप बोलना सीख लिए है जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। बोलूं? आए Love you. अब तुम अपने समूह से वो ताप के जहर को माल दो जितने मुझे तोतला किया। आजा, आजा, नहीं, आजा। वो छोड़।
सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, सर मुझे भी मार डालेगा सर, उसने ब्योमकेश को। ब्योमकेश को मार दिया? किसने मार दिया और कौन है वो? हेलो हेलो ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो ये वीर का फोन अभी तक बंद है। मैंने साफ साफ कहा था कल सुबह जल्दी आ जाना, अभी तक नहीं है और फोन भी बंद है। वर्मा यस सर, आप एक काम करो, ये फाइल तुरंत डीएजी साहब के ऑफिस में पहुंचा दो, मुझे फरीदाबाद पहुंचना है, दोपहर से पहले वहां ज्वाइन करना होगा। सर हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा, पर क्या करें, ड्यूटी का दस्तूर है, आज यहाँ तो कल वहाँ। फाइल पहुँचा दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद सर। जय। कहो जितनी जल्दी हो सके पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे। सर घर के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला है, ना ही कोई ऐसा विटनेस मिला है जिसने किसी सस्पिशियस आदमी को घर में आते जाते देखा। कितने टोटल फैमिली मेंबर्स थे, कौन कौन रहता था? सर यहाँ तो ये तीनों ही रहते हैं, रोशनी, उसका बेटा उमंग और पत्नी प्रिया। पड़ोसी ने बताया कि 2 महीने पहले ही प्रिया और उमंग की शादी हुई थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस प्रिया को पहले कहीं देखा है। जय हिंद आदिल सर, क्या बात है आपने इतने सालों बाद याद किया। ओके सर। सर आप कह रहे हैं कि 6 साल पहले मानेसर में जिस लड़की को आपने मरा हुआ पाया वो प्रिया थी, और अब 6 साल बाद उसका फरीदाबाद में मर्डर हो गया। पढ़ो ना, मेरा इंटेंशन तो यही कह रहा है। दरअसल 6 साल पहले हमें जिस कपल की डेड बॉडीज मिली थी उनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़े हुए थे, इसलिए उनकी पहचान पता करने में हमें थोड़ा वक्त लग रहा था। हालांकि उस केस को सॉल्व करने में हम जी जान से लगे हुए थे, और जिन क्रिमिनल्स ने आईडी चीफ की कार में ब्लास्ट किया था ITT ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उन क्रिमिनल्स का उस डेड कपल के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं मिला था, और ये 6 साल पुराना केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। सर डॉक्टर का कहना है कि मौत के वक्त प्रिया की उम्र 18 से 20 साल होगी, इस लिहाज से तो 6 साल पहले वो 12 से 14 साल की बच्ची होगी। तो फिर इसकी शक्ल प्रिया से क्यों मिल रही है, क्या ये महज इत्तफाक है? प्रिया की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में जो बच्ची थी इसकी शनाख्त पर उस वक्त हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया, और वो शाहिद जिसने जनता लाइब्रेरी से ये किताब इशू करवाई थी वो भी कभी पकड़ा नहीं गया। उसके बाद डॉक्टर व्योमकेश का गायब होना, उसकी बीवी ज्योत्सना का गायब होना, और मेरे कलीग PSI वीर का गायब होना, ये सब कुछ मुझे अटपटा लग रहा था, इसलिए मैंने DIG साहब से इस केस को रीओपन करने की परमिशन मांगी। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। सर आपके ट्रांसफर के बाद हमें पता चला था कि डॉक्टर व्योमकेश ने यह घर उस कपल की हत्या से पहले ही बेच दिया था, और आपके ट्रांसफर के दौरान वो अपनी बीवी ज्योत्सना के साथ यहाँ से गायब हो गया। घर किसको बेचा? कमलेश नाम का आदमी है सर, लेकिन घर खरीदने के बाद वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहा नहीं, क्योंकि सुनने में आया है कि वो यहाँ से इसलिए चला गया कि उसे लगता था इस घर में किसी भूत का साया है। बुलाओ इस कमलेश को पुलिस स्टेशन। यस सर। हाँ मनीष। सर मैंने उमंग के रिश्तेदारों से मालूम किया, लेकिन रंजिश का कोई एंगल नहीं मिल रहा है। हो सकता है लूट के इरादे से ये हत्या की गई हो, या फिर किसी और मकसद को लूट की शक्ल दी गई।
प्रिया की फैमिली का कुछ पता चला? उमंग के रिश्तेदारों से उमंग और प्रिया की शादी के कुछ फोटोज मिले हैं। उसमें प्रिया का बाप भी है, उसका नाम सोमेश है, लेकिन वो कहाँ है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है ये किसी को नहीं पता। फैमिली की CDR आने वाली है, शायद जल्दी कुछ पता चले। प्रिया और उसके ससुराल वालों के इतने ब्रूटल मर्डर हुए, सुमेश को आना चाहिए था लेकिन ये नहीं आया। ये सुमेश मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। साहब, बड़ी नेगेटिव एनर्जी वाला घर था वो। मेरे पंडित ने कहा वहाँ अकाल मृत्यु हुई है इसलिए भूत का साया है। मैं तो बहुत पछता रहा हूँ साहब उस घर को खरीद कर। कब से ढूंढ रहा हूँ डॉक्टर व्योमकेश को। तो उस डील के बाद डॉक्टर व्योमकेश कभी नहीं मिला तुझे? नहीं साहब, लेकिन जब हम वहाँ रह रहे थे तो एक बच्ची डॉक्टर व्योमकेश की पत्नी ज्योत्सना के बारे में पूछने आती थी। ये वो बच्ची थी? नहीं साहब, कोई और ही बच्ची थी। मैंने उसको कई बार बोला ज्योत्सना अब यहाँ नहीं रहती, लेकिन वो बार बार आती रहती थी। बच्ची आती कहाँ से थी? उसका नाम एड्रेस कुछ तो पता होगा? नहीं साहब, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन हाँ वो अपना नाम मधु बताती थी और गोल्डन पब्लिक स्कूल की यूनिफॉर्म पहने रहती थी। मधु, गोल्डन पब्लिक स्कूल। कमलेश का बयान ये अंदेशा दे रहा था कि डॉक्टर व्योमकेश के घर में कुछ ठीक नहीं था, लिहाजा पुलिस ने जल्द ही उस घर की छानबीन की और उन्हें व्योमकेश द्वारा उगाए गए प्लांट्स के नीचे 4 नरकंकाल मिले। पुलिस को 6 साल पहले ये भनक थी कि व्योमकेश की 2 बीवियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पुलिस अब ये अनुमान लगा रही थी कि 4 में से 2 कंकाल व्योमकेश की उन 2 बीवियों के होंगे और बाकी 2 शायद सब इंस्पेक्टर वीर और व्योमकेश की तीसरी पत्नी ज्योत्सना के। तो क्या इन सब के कत्ल व्योमकेश ने किए थे? अगर ऐसा था तो वो कहाँ गायब था, शाहिद कहाँ था? सर, जब मैंने मानी सर के गोल्डन पब्लिक स्कूल में पता किया तो पता चला कि 6 साल पहले वहाँ मधु नाम की एक स्टूडेंट पढ़ा करती थी। वो स्लम में रहने वाली एक अनाथ थी और उसका एडमिशन ज्योत्सना ने करवाया था। ये मधु आप कहाँ? सर, अचानक से इस बच्ची ने स्कूल आना बंद कर दिया, अब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन स्कूल रिकॉर्ड्स में मुझे इस बच्ची की फ़ोटो दिखी, जिसकी फ़ोटो आपने किताब में देखी थी। ये मधु की क्लासमेट थी और सर इसकी माँ का भी फोटो दिखा, जिसकी शक्ल इस औरत से बहुत मिलती है। ये सर अगला फोटो उसी का है। स्कूल रिकॉर्ड में इस औरत और बच्ची का नाम क्या मेंशन? सर, औरत का नाम सुनिधि और बच्ची का नाम पार्वती। पार्वती, पार्वती। एक बार को अगर हम मान लें कि प्रिया ही पार्वती है, क्योंकि बच्ची बड़ी होकर अपनी माँ जैसी दिख सकती है, तो शायद उमंग की बीवी प्रिया पार्वती हो सकती है। 6 साल पहले हमें जिस कपल की डेड बॉडी मिली थी उनका DNA प्रिजर्व किया गया था। उस मरहूम औरत के DNA से प्रिया का DNA मैच करके देखो। और मधु इस वक्त 18-19 साल की होगी। पता लगाओ मधु का। सर, सर जिस शायद को हम पिछले 6 साल से बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो अब अंदर है। अंदर है? यस सर, जब 6 साल पहले हमने क्रिमिनल डाटा चेक किए थे तब शाहिद का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब पिछले 4 सालों से वो रोहतक की जेल में एक स्मगलिंग के केस में कैद है। साहब, ये बहुत चालू औरत थी। मैं एक पिम्प के जरिए इससे 1 night stand के लिए मिला था और मुझे उससे प्यार हो गया साहब। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 नंबर के काम किए, इसलिए सेटल होना चाहता था साहब, इसलिए इससे शादी कर ली। लेकिन साहब, इसने अपने लोगों के साथ मिलकर के मुझे ही लूट लिया था। तो मतलब जो 2 लाशें हमें मिली उसमें से 1 लाश इस औरत की थी जिसका नाम है सुनिधि। इसके साथ हमें एक आदमी की लाश भी मिली थी। साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं भाग गया था वहां से। अच्छा, तुमने जनता लाइब्रेरी से एक किताब इशू करवाई थी जो कि 30 साल पहले बैन हो चुकी है। किस कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़ा था? नहीं साहब, मैं किसी कट्टरपंथी ग्रुप से नहीं जुड़ा हूँ। मुझे तो सिर्फ वैसी किताबें पढ़ने का शौक था बस। उस किताब में एक नंबर लिखा हुआ था, ये डॉक्टर व्योमकेश का, उसे कैसे जानता? साहब, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन ये नंबर तो सुनिधि का था, मैंने उस वक्त उस किताब में लिख दिया था। उस किताब में एक तस्वीर मिली थी, उस तस्वीर में सुनिधि के साथ ये बच्ची भी थी। ये बच्ची कौन है? ये तो उसकी बेटी थी साहब, वो बोलती थी कि उसका पहला पति मर गया था। अच्छा, पिंप कौन था?
जिसके जरिए तो सुनिधि से मिलता था? शायद शंकर था साहब, वो उसका नंबर भी था मेरे पास में पुराने वाले फोन में। क्या यही शंकर है? हाँ साहब यही था, मुझे याद है साहब यही था। अरे हो गया सिंगार धरा, चल जल्दी कर, तेरा दूल्हा तेरा मंडप में इंतजार कर रहा है। सर 6 साल पहले जिस औरत का मर्डर हुआ था उसका डीएनए प्रिया के डीएनए से मैच कर गया। मेरा अंदाजा सही निकला, प्रिया ही पार्वती है सुनिधि की बेटी। सुमेश इस केस की कड़ी है, सुनिधि ने शायद को झांसा दिया, शायद इसमें सुमेश इन्वॉल्व, और प्रिया की उमंग से शादी करवाएगी ताकि उसके घर में लूटपाट की जा सके। लेकिन सर वो प्रिया का मर्डर क्यों करेगा? इसमें भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाल फिलहाल में जितनी भी ऐसी शादियां हुई जिसमें लूटपाट हुई, फरेब हुआ, धोखाधड़ी हुई, सब शादियों के बारे में पता करो। सर शाहिद के पुराने फोन में जो शंकर उफ सोमेश का नंबर मिला है वो अक्सर रेवाड़ी में एक्टिव रहता था, और उसके सीडीआर में भी रेवाड़ी का एक नंबर मिला है, और 16 साल पहले त्रिलोकी नाम की एक बच्ची के केस में भी वो प्राइम सस्पेक्ट था। इसका नंबर है बोलिए कौन, सोमेश है या शंकर? ना ये सोमेश है और ना ही शंकर, ये मेरा पुराना दोस्त है भीमा, इससे मिले काफी साल हो गए मुझे, अब कहाँ है मुझे नहीं मालूम। नौटंकी मत कर, तेरी पूरी हिस्ट्री निकाल चुके हैं। 16 साल पहले इसके साथ मिलकर तुमने एक बच्ची को अगवा किया था ना? साहब वो मेरे पैसे के लालच में आकर उसका साथ दे दिया था, लेकिन उसने त्रिलोकी को बेचकर जो पैसा है उसमें से मेरा हिस्सा दे दिया था उसने। बेचा कैसे था? मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन एक रोज़ पता लगा कि त्रिलोकी भाग कर वापस आ गई है, मुझे लगा कहीं वो मुंह ना खोल दे, और हम लोग डर गए, और फिर उस रोज़ जिसने उस बच्ची को वहां पर अकेला छोड़ा था वो शख्स कौन था? त्रिलोकी के पति चंदू के माँ बाप, उन्होंने त्रिलोकी और चंदू का बाल विवाह करवाया था। और जाने मत देना सर। सर पिछले हफ्ते 7 जुलाई को सोनीपत के एक मैरिज गार्डन में एक शादी हुई थी। बंटू खबरी ने बताया कि वहां पर सोमेश को देखा गया था, वहां उसने अपनी एक और बेटी की शादी की थी, दूल्हे की फैमिली वहीं सोनीपत में रहती है। ज्योत्सना, वाइफ ऑफ डॉक्टर व्योमकेश, तो तुम हो इस खेल की असली खिलाड़ी। तुमने ना सिर्फ लोगों को लूटा बल्कि बहुत सारे कत्ल भी किए, और बहुत सारी मासूम बच्चियों को अगवा करके उन्हें सेक्स रैकेट में धकेला। 16 साल पहले तुमने एक त्रिलोकी नाम की बच्ची को अगवा किया था, वो बच्ची कहाँ? मैं ही हूँ त्रिलोकी। सोचा था त्रिलोकी जैसा नाम वैसे तीनों लोक की रानी बनूंगी, पर मेरे नसीब में लिखा था ये पाताल लोक, माँ बाप पति सबसे दूर हो गई और बन गई इस पाताल लोक की महारानी। और ये आदमी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। इसका दिया हुआ जहर पी पी कर मैंने सोचा अगर जहर ही पीना है तो फिर शान से पीऊंगी, अगर धंधा ही करना है तो फिर टॉप की धंधे वाली बनूंगी, और मेरे हुस्न का जादू चलता गया। पर मुझे और रईस बनना था, इसलिए मैंने सोचा कि रईसों को फंसाकर उनके पैसे और जायदाद सब लूटकर मालकिन बन जाऊंगी। और इन्हीं रईसों में से एक रईस था डॉक्टर व्योमकेश। हाँ कमीना था तो पैसे वाला, पर उससे शादी करने के बाद मुझे पता चला कि उसने अपनी पिछली दोनों बीवियों को मारकर उसी घर में गाड़ा हुआ है, इसीलिए वो उस घर को बेचकर भागना चाहता था। जब उसने वो घर बेचा तो मैंने उन पैसों को लूटकर भागने का प्लान बनाया। सुनिधि भी तुम्हारी तरह लड़के फंसाती थी? हाँ सुनिधि को ये धंधा मैंने ही सिखाया था, व्योमकेश का पुराना सिम कार्ड मैंने ही सुनिधि को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। पर शाहिद को लूटते वक्त हमें डर था कि उनकी पहचान से हम लोग फंस ना जाएं, इसलिए हम लोगों ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। उनको मारने के बाद उनकी बेटी प्रिया को अपने साथ ले आए, और वह अनाथ बच्ची मधु
उसे भी इसलिए पढ़ा रहे थे। वो बच्ची कहाँ है? यही है मधु, व्योमकेश को मारने के बाद मुझे भागना था। बच्चा चाहिए, लेकिन ना जाने वो इंस्पेक्टर वीर व्योमकेश के बारे में पूछता पूछता मेरे घर आ पहुंचा। मुझे डर था कि कहीं मेरे भागने के बाद वो मुझे ना ढूंढने लगे, इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर वीर को प्रिया, वो तो तुम्हारे लिए काम करती थी ना, तो उमंग की फैमिली के साथ साथ उसे क्यों मारा? उसका हरिश्चंद्र जाग गया था सर। उमंग के साथ शादी करने के बाद कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, और सर धमकी देने लग गई कि अगर मुझसे ज़बरदस्ती की तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। हम सोचे तो शायद यही कहेंगे कि उस 32 वर्षीय अपराधी त्रिलोकी की हमारे समाज को कतई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो 15 वर्षीय मासूम त्रिलोकी तो हमारे समाज का हिस्सा थी। हमने उसे क्या दिया? आज वो अगर अपराधी है तो इसमें उसी का दोष है। हमने उंगलीमाल डाकू की संत बनने जैसी कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन हमें इस बात पे गौर करना होगा कि आज हमारे देश की युवा पीढ़ी कई गलत कारणों से अपराध में लिप्त हो रही है। अब हमें ऐसे माहौल, ऐसे सामाजिक ढांचे की ज़रूरत है जहाँ हम अपने बच्चों को ऐसे अपराधों की दलदल से बचा सकें जिसमें हमने शायद एक मासूम बच्ची त्रिलोकी को खो दिया। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।